ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सी बेटे, इन द यस्टरडे क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द मेंडलीव. मेंडलीव टेबल वाज द बेसिस, इट वाज बेस्ड अपॉन वी कैन से एटॉमिक मासेस. नाउ दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर. And this periodic table is given by Moseley, a scientist. Okay. Given by Moseley. Actually, what he have done, he have just plotted a, we can say a graph. Graph kiske beech mein? The X-ray frequency that was emitted. क्या किया उसने, सी ही हैव टेकन अ मेटल, फॉर एग्जांपल दिस मेटल ही हैव टेकन, इसमें हाई स्पीड बम्बार्ड करवाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ही हैव बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स. जब इसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए तो इसमें से रेज निकली बेटे, जिसे हम कहते हैं एक्स रेज. ठीक है, एक्स रेज. अब जो ये एक्सरेज निकली, अगर इनका स्क्वायर रूट किया गया, मतलब जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट किया गया इसकी, इनकी फ्रीक्वेंसी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई. हमने फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ठीक है, मोज़ले ने क्या किया, अगेन आई रिपीटिंग, उसने किया मेटल लिया बेटे, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए. जब उसने बम्बार्ड करवाए तो कुछ एक्सरेज निकली. अब ये जो एक्सरेज है, कुछ फ्रीक्वेंसी की होती है, कोई भी रे होती है बट इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है. उनकी जो फ्रीक्वेंसी स्टडी करी, वो उसका जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर आया. ठीक है, और अगर उसने अगर मास के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करी तो कोई कोरिलेशन नहीं आई. तो उसने ये कहा, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है इज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट द मास. ठीक है, दे आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, दीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट द मास. फॉर द पॉइंट, सो व्हाट ही हैव डन, अगेन ही हैव taken metals, he have bombarded electrons, यानी कि सबके साथ किया, जो भी तब नोन थे और जो भी जिनमें से एक्स रे जल्दी निकल सकती थी. तो उसने कुछ फ्रिक्वेंसी देखी, उनको प्लॉट किया, तो उसने देखा कि फ्रिक्वेंसी जो आ रही है एक्स रेज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है एटॉमिक नंबर पर. ठीक है, तो उसने कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. Now I am sharing the screen with you and showing you the periodic table, and then we'll discuss the periodic table. Okay. Okay, it's visible to everyone. Yes, bete. Everyone, it's visible. Okay. Just see the periodic table, bete. Actually, यहाँ से अब इस periodic table को देखो, and it's the most important periodic table. You can see, bete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These are bete groups. In the modern periodic table, there are total 18 groups. Okay, there are 18 groups and there are 7 pair. How 7 pair? This is the first one. Writing. Zoom karo bete, zoom ho hi nahi na main. Let me na take other one. Now it's visible, but everyone.
यस विजिबल यस बेटे ओके सो यू कैन सी बेटे देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17, and 18 groups are there. These are called groups. Now let me show you the periods. This is first period. This is second bete. This is third. This is fourth one. This is fifth. And this is sixth and seventh. Okay. These two periods which you are seeing here come from this only. The atomic number is 57 here. ठीक है और सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे इट इज अ 58 तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं ठीक है ये अलग क्यों रखे हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में जाते हैं एफ का क्वांटम करोगे यू विल नो इसलिए इनको अलग रखा जाता है अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम नहीं अदरवाइज इसी को ही बिलोंग करते हैं जैसे ये 89 है तो 89 के बाद यू कैन सी इट इज 90 तो ये दोनों जो पीयर्स नीचे पड़े हैं वो इन दोनों पीयर्स के बीच में ही है देखो 57 के बाद हियर इज 72 ओके बेटे तो देखो जस्ट सी देयर आर 7 पीयर्स एंड 18 ग्रुप्स अब बेटे जब हम ग्रुप की बात करते हैं जैसे ये ग्रुप वन है ठीक है दिस इज अ ग्रुप वन इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रॉन्गली प्लेस्ड हाइड्रोजन को एक्चुअली कोई प्लेस नहीं मिली जो मॉडर्न अभी पीरियोडिक टेबल है वो हाइड्रोजन आप यहाँ लिखते हो क्योंकि हाइड्रोजन को प्लेस ही नहीं मिली अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं ठीक है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं बेटे अल्कली मेटल्स उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स ओके दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स क्यों अल्कली मेटल्स कहा जाता है क्योंकि दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज ठीक है और अल्कली क्या होते हैं यू नो वेरी वेल बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं दीज आर नोन एज अल्कलीज तो ये देखो ये लिथियम है ये सोडियम है ये पोटेशियम है ये रुबीडियम है ये सीजियम है ये फ्रेंशियम है इन सब की प्रॉपर्टीज बेटे सेम होती हैं अब प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है एक ग्रुप में क्योंकि सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं अगर मैं लिथियम की बात करूं क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 1, 2, 1 अगर सोडियम की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा अगेन 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है बेटे 11 इट इज 2, 8, 1 अगर पोटेशियम की बात करें तो अगेन 2, 8, 8, 1 इन द सेम वे रुबीडियम की बात करोगे अब तो 18 फिल हो जाएगा तो 2, 8, 18 करके तो इट विल ऑल्सो कम टू द वैलेंस शेल विल बी 1 अब क्योंकि बेटे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जब सेम हो जाते हैं किसी भी के भी तो वो इलेक्ट्रॉन उतने ही लूज या उतने ही गेन करता है अब ये जो मेटल्स हैं सारे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है ठीक तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे जाएंगे वो मगर ग्रेडेशन या वेरिएशन किस में आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि नीचे जाते वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इनके मास में तो चेंज आएगा ही इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे भी चेंज आएगा इनकी डेंसिटी में भी चेंज आएगा है ना अगर हम एटॉमिक मास बोलेंगे तो इंक्रीज होगा वो होती है बेटे फिजिकल प्रॉपर्टी एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है मोर और लेस सिमिलर है क्योंकि उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करी जैसे हमने कहा कि इनकी वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें विच कंसिस्ट ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम ये सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं इन सब की वैलेंसी 2 है
तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप की रिएक्शन जाएगी वो सिमिलर होती है। एक ग्रुप में हम ये कहें कि ऐसे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं, और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी सेम जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी लूज करेंगे। अब जैसे ये है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन, ये सारी बेटे नॉबल गैसेस हैं, क्योंकि सब की वैलेंस शेल फिल्ड है इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। मगर अब आप क्लास 12th में सीखोगे कि ज़ीनॉन के भी कंपाउंड्स बन गए हैं, वो क्यों हम देखेंगे जब आप मेडिकल नॉन मेडिकल रखोगे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये सारे हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। ये सारे हेलोजन में क्या खासियत है, इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2-7, 2-8-7, 2-8-18-7, तो सारी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सब ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है और सब की वैलेंसी नेगेटिव 1 हो जाएगी। मींस एक ग्रुप के मेंबर किस लिए बने हैं, ग्रुप किस लिए बनाए जाते हैं, हम किसी का भी ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में हम सिमिलर चीज डालते हैं, ठीक है, डिसिमिलर चीज हम अनग्रुप कर देते हैं। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप बने हैं, अगर 18 ग्रुप हैं, उन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, मगर फिर भी बेटे कुछ वेरिएशन होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि जो बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, तो आप देखोगे कि बोरोन जो है टिपिकली नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, ये मेटल की तरह भी बिहेव करेगा नॉन, ये एम्फोटेरिक की नेचर हो जाएगा। तो सर्टेन वेरिएशंस हैं, सर्टेन मेटलॉइड्स भी हैं, यहाँ पे सिलिकॉन एक मेटलॉइड आ जाता है, आर्सेनिक एक मेटलॉइड आ जाता है प्रॉपर्टीज में, क्योंकि नीचे आते वक्त जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक, मगर इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेटे सेम रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सिमिलर ग्रुप। सो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, देयर आर 18 ग्रुप्स, ठीक। अब ग्रुप के अलावा देयर आर पीयर्स आल्सो, तो कितने पीयर नजर आ रहे हैं आपको, मैंने अभी बताया 7 पीयर्स। अब फर्स्ट पीयर में देखो कितने एलिमेंट है, 1-2, ठीक है, इस पीयर में अकेले 2 एलिमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है एक पीयर क्या डोनेट करता है बेटे, पीयर डोनेट नंबर ऑफ शेल, अगर फर्स्ट पीयर है तो इसका मतलब फर्स्ट शेल ही है, और यू वेरी वेल नो दैट फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो इस पीयर में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2, तो इस पीयर को क्या बोलोगे आप, शॉर्ट पीयर बोलोगे, दैट इज नोन एज शॉर्ट पीयर। क्यों 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट शेल में अकेले 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, तो इस पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है बेटे हाइड्रोजन और सेकंड एलिमेंट आ जाता है हीलियम, ठीक है। फिर आज सेकंड पीरियड की बात करें, ये आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स है, 8, और ये कौन सा पीरियड है, 2, सेकेंड पीरियड। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो आते हैं बेटे 8, तो सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है बेटे। पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि इस एलिमेंट ने कितने शेल ऑक्यूपाई कर लिए। अब सेकेंड पीरियड को जो बिलोंग कर रहे हैं उन्होंने 2 शेल्स कर रहे हैं, फर्स्ट भी ऑक्यूपाई कर लिया और सेकंड भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब आ जाओ थर्ड पीरियड की तरफ, थर्ड पीरियड में अगेन आपको 8 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 8 नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में किया है, हालांकि रूल आता है 2n², मगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते, हम थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स भेजने के बाद उसके बाद हम फोर्थ शेल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों,
तब भी आपको बताया जाता है यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, बोहर बरीज रूल करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स करोगे, तब आपको ये समझ आ जाती है कि क्यों नहीं, क्योंकि तब हम इनको सब शेल्स बनाएंगे, इनकी इनकी SPDF सब शेल्स बनेंगी, सब शेल्स में एनर्जी देखी जाएगी, और हम तब ये देखेंगे कि वाई वी आर नॉट फीलिंग 3 कम्प्लीटली, 3 में 18 आते हैं, 3 कम्प्लीटली क्यों नहीं फील करते, हम 4 पे क्यों चले जाते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड शेल में हम पहले 8 इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, जब हम 8 इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो 8 ही एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड में, तो जो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है, ये इनको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में बेटे ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो, सेकंड पीरियड में देयर आर 8 एंड थर्ड पीरियड में क्या होते हैं, अगेन 8। ठीक है, पीरियड नंबर हमें क्या बता रहा है, जितने पीरियड उतने शेल, अगर फर्स्ट पीरियड है तो शेल कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1, अगर सेकंड पीरियड है तो शेल कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं बेटे, 2, अगर थर्ड पीरियड है तो शेल कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 3, अगर फोर्थ पीरियड है शेल कितने ऑक्यूपाई करोगे आप, 4, और क्योंकि इनमें एलिमेंट्स बढ़ गए, अब ये जो आने वाले पीरियड्स हैं ये सारे लॉन्ग पीरियड्स हो जाते हैं, समझ आई बेटे। अब पीयर्स में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलेंस शेल में चेंज हो रहे हैं, अगर लिथियम की बात करें तो 1 है, बेरिलियम की बात करें तो 2 है, बोरोन की बात करें तो 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है और नियॉन में 8 है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहे हैं तो बेटे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, फिजिकल तो करनी करनी है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इधर वाले टिपिकल मेटल्स हैं, इधर जाते 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 क्या बन जाते हैं, ये नॉन मेटल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने पीरियोडिक टेबल को पीयर्स में तो बांटा है बेटे, ग्रुप्स में भी बांटा है, इसके अलावा इनको ब्लॉक्स में बांटा जाता है, वो आप क्वांटम से सीखते हो, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, ये जो दो ग्रुप हैं इसे कहा जाता है बेटे एस ब्लॉक। ठीक है, 13 to 18 जो हैं वो कहा जाता है पी ब्लॉक, ये क्वांटम आपको सिखाएगी क्लास 11th में, जो नॉन मेडिकल मेडिकल रखोगे देन विल डू इन डिटेल, तो ये एस पी ब्लॉक है, ये वाले दो ग्रुप और ये वाले जो ग्रुप हैं 6, इनको मिला के बोला जाता है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, इस वाले 6 और ये वाले जो 2 ग्रुप्स हैं इनको मिला के बोला जाता है बेटे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 to 12, ये ग्रुप नंबर 3 to 12 इसे बोला जाता है डी ब्लॉक, इसे बोला जाता है यस ब्लॉक था, यस था बेटे, ये पी था और ये हो गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को नेम दिया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, इसमें सारे मेटल्स हैं, इनको हमने मेटल्स क्यों नहीं बोला रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि इनमें इधर मेटल्स हैं इधर नॉन मेटल स्टार्ट हो गए, इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक, ब्लॉक है जिसमें क्या जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, अब इनको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच में आने के बाद यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज चेंज होनी शुरू हो जाती है, ये टिपिकली मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे आके, जैसे इनको क्रॉस करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन, जहाँ पे प्रॉपर्टीज ट्रांजिस्ट हो रही हो, जहाँ पे चेंज आ रही हो। ओके, अब ये 57 के बाद जो 58 इन्होंने लिखा भी है बेटे, दिस इज एफ ब्लॉक। ठीक है, अब ये एफ हैं और इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन, इनर मतलब ट्रांजिशन से जो बीच में से निकले हैं, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो यू हैव एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल एंड दीज 2 ब्लॉक्स आर नोन एज
normal or representative elements. Then there is a D block, which is known as transition elements or metals. Then there is F block, which is known as inner transition elements or metals. इनको फर्दर भी नेम दिया गया है, जैसे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये जो लेंथेनाइड्स हैं, वो जो ये एल ए लिखा है, ये लेंथेनॉइड है, ये लेंथेनॉइड के बाद में स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज लेंथेनाइड्स. अब ये होता है ए सी लिखा हुआ है, वो होते बेटे एक्टिनॉइड, तो ये एक्टिनॉइड के बाद शुरू हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एक्टिनाइड्स. ये नोबल गैसेस हैं, ये हैलोजन्स हैं, क्योंकि ये सारे सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ये चालकोजन्स हैं, ये नाइकोजन्स हैं, सबका अपना अपना बेटे नेम है. यू विल गिव ऑल द नेम्स यू विल डू इन द हाईएस्ट एंड. ओके, सो रिमेंबर अगेन, ग्रुप में, ग्रुप, व्हाट डज ग्रुप, ग्रुप का मतलब ग्रुपिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के पड़े होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम है. जब हम प्रॉपर्टी सेम की बात करते हैं, तो कौन से प्रॉपर्टी सेम की बात करते हैं बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि इनके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं. तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, या केमिकली कैसे रिएक्ट करेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, तो उन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. जो डे टू डे लाइफ हो रही है रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है. तो डे टू डे लाइफ में हम यही कहेंगे कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस शेल, ठीक है. मगर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल का मतलब है किसी का वेट, किसी की डेंसिटी, किसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, किसी का मेटालिक करैक्टर होना, ये सब कुछ हम आगे अभी करेंगे, अभी आपको वेरिएशन में करवाऊंगी. तो ये डिपेंड करेगी आपकी इवन न्यूक्लियस के ऊपर भी, मतलब कितना वेट है, कितना मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी. व्हाट द पॉइंट. अब जब हम पीयर्स की बात करते हैं, तो पीयर से हमें पता चलता है कि कितनी नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई हैं, कि वन शेल ऑक्यूपाई है, टू शेल ऑक्यूपाई है, थ्री है, या फोर है, या फाइव है, या सिक्स है, या सेवन. ये जो पीयर नंबर है, ये आपको ये बताते हैं जी कितने नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाई, ठीक है. अब मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, इन सब की वैलेंसी पॉजिटिव वन होगी, ठीक है. इन सब ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करने, इनकी सब की वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी सब की वैलेंस शेल में टू, 13 में थ्री, 14 में फोर, 15 में फाइव, 16 में सिक्स, 17 में सेवन, और 18 में एट, सिर्फ हीलियम को छोड़ के. अब न्योन की जैसे 2 8, आर्गन की 2 8 8, ठीक है. वैसे ये सल्फर 2 8, ये क्या बोलोगे, सल्फर 2 8 6, 2 8 5, 2 8 4, 2 8 3, ठीक है. क्योंकि आपको एलिमेंट पता करना होता है कि किस ग्रुप में, आपको ये दिया होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दी होगी, तो आपने एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा, इनकी वैलेंसी बतानी होगी, ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस टेबल में बहुत आते हैं, ठीक है. विल सी द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड, ठीक है. तो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ग्रुप के बारे में बताएगा, और नंबर ऑफ शेल्स पीयर के बारे में बताएंगी. हमेशा याद रखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताएगा बेटे, ग्रुप के बारे में. अगर कोई ग्रुप वन को बिलोंग कर रहा है, बाय चांस मैंने आपको जैसे कॉन्फ़िगरेशन बता दी 2 8 1, जस्ट सी, यू हैव रिटन 2 8 1, इसका मतलब वन, इस वन का मतलब है ये ग्रुप वन को बिलोंग कर रहा है. इस 2 8 1 कितनी शेल ऑक्यूपाई हो रही है, 3 ऑक्यूपाई हो रही है, तो कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड को. तो एलिमेंट ऐसा है जो फर्स्ट पीरियड को नहीं, सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड पीरियड में और ग्रुप वन में. इन द सेम वे अगर मैं 2 8 7 लिख दूं, तो 7 जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है बेटे, ये मुझे ग्रुप नंबर बता रहा है कि 17 है, और शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स क्या बता रही है,
ये मैं बता रही है कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है बेटे, थर्ड। व्हाट आर यू राइटिंग नाउ इन सी इंक्लूडिंग हाइड्रोजन अल्कली में हाइड्रोजन, नो बेटे अल्कली को हाइड्रोजन को पोजीशन ही नहीं मिली, ठीक है हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं मिली। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्कलीज और हैलोजन्स दोनों में आता है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। जब वो अल्कलीज के साथ लगा हो तो वो हैलोजन की साइड ले लेता है, जब वो हैलोजन के साथ लगा हो तो अल्कली बन जाता है, उसकी पोजीशन ही नहीं है कोई। कौन सी एग्जांपल बेटे, लेट मी, अच्छा मैं अभी स्क्रीन शॉट स्टॉप करके ना आपको ये समझाते हैं। देखो आपने ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपके एग्जाम में आते ही ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इधर इस मॉडल में। मान लो मैं आपको बोल दूं एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो आप मुझे ग्रुप नंबर बताओ, आप मुझे पीरियड नंबर बताओ, और ये वाला एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसी ऑक्साइड बनाएगा। चलो ये भी मैं इंक्लूड कर दूं। अब बेटे 2882, ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है ना ये हमें ग्रुप नंबर बताता है। अगर लास्ट में टू इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम ग्रुप 3, एल्युमिनियम ग्रुप 13 में आता है बेटे। मैंने अभी पीरियोडिक टेबल तो आपको सारा दिखाया है, ग्रुप 1 2, फिर उसके बाद 13 14 शुरू हो जाते हैं, 21 से ग्रुप 3 से लेके 12 आते हैं। ओके अरमान, ध्यान से अभी ना फिर प्रोडक्ट टेबल देखना, बुक में गिवन है। एक में मुझे चलो बोलो। यस मैम, मैं कह रहा था कि एल्युमिनियम ग्रुप 3 में क्यों नहीं आएगा। एल्युमिनियम ग्रुप 3 में इसलिए नहीं आता क्योंकि 3 से लेके 12 तक मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में जाते हैं, पी आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में समझोगे, ठीक है। जो बीच वाला है वो डी ब्लॉक है, वहां पे डी में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाते हैं। पी ब्लॉक में मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटालिक कैरेक्टर, डी ब्लॉक में हैवी मेटल्स आ जाते हैं। अब डी ब्लॉक क्या होता है, क्या डी सब शेल होती है, जब आप क्वांटम पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने अभी दिस इस स्टैंडर्ड में हम आपको क्वांटम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर, पीयर नंबर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो देखो किस वैलेंस शेल में, आई गॉट द आंसर, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ग्रुप नंबर कौन सा है, 2, और कितनी वैलेंस शेल है, 1 2 3 4, कितनी वैलेंस शेल है, 4। तो पीयर नंबर क्या हो गया, 4, समझ आ रही है। पीयर नंबर क्या हो गया, 4, और एलिमेंट कौन सा है, एटॉमिक नंबर क्या बना, 2+8+8+2, मतलब क्या बना, कैल्शियम। तो कैल्शियम एलिमेंट है, चलो एलिमेंट को हम ए भी अज्यूम कर लें। अब वैलेंस शेल में क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटे, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव। तो कैसे ऑक्साइड बनेगी, AO टाइप ऑफ ऑक्साइड, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अशीन, हाउ कम मैग्नीशियम, अशीन यू आर राइटिंग मैग्नीशियम बेटे, हाउ कम मैग्नीशियम, नो, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे ही हम एक और सेम करें। फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझे बताओ, एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है,
इसका पीयर नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर क्या है, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैसी हाइड्राइड बनाएगी, फॉर्मूला क्या हाइड्राइड का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हाँ जी पहले बताओ पीयर नंबर क्या होगा हरी, आप पीयर नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीयर नंबर निकालते हैं बेटे नंबर ऑफ शेल्स से, जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतने पीयर नंबर होते हैं, याद रखो नंबर ऑफ शेल वन तो वन पीयर नंबर, नंबर ऑफ शेल टू तो टू पीयर नंबर, नंबर ऑफ शेल थ्री तो थ्री पीयर नंबर, और नंबर ऑफ शेल फोर तो फोर, आपको फोर तक क्या आएगा क्योंकि आपकी 20 एलिमेंट्स हैं सिलेबस में, उसके ज्यादा नहीं पेपर में आता होता, समझ आ गई, कैल्शियम तक ही आना है ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स आपको पीयर नंबर बताते हैं, वन टू शेल्स हैं तो पीयर नंबर आ गया टू। अच्छा अब वेलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, सेवन, लेक्चर स्टार्ट हो गया, वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, सेवन, तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा हरी, आप विल टेल मी, सेवन, क्लास ट्वेल्थ आनी शुरू होगी, ग्रुप नंबर सेवन क्यों होगा, सेवनटीन होगा, ग्रुप नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, याद रखो इसका वन हटा दो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ग्रुप नंबर 18 में 8 वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 3 में तो आपने जाना ही नहीं है क्योंकि वो बेटे डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस ठीक है। ग्रुप नंबर 13 में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 8 में, ग्रुप नंबर इसकी वेलेंसी 3, इसकी 4, इसकी माइनस 3, इसकी माइनस 2, इसकी माइनस 1, इसकी 0, ग्रुप नंबर 13 तक जितना ग्रुप नंबर होगा जितने वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वेलेंसी होती है, जैसे ही आप 4 से आगे जाते हो जितनी वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन है उसको 8 माइनस जितने गिवन हो, 5 गिवन है तो 3 आंसर आ जाएगा, विल डू टुमारो ओके। नाउ आई हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास।